कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट के अंदर हमने बात की कि हमारा लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फैमिली का एक मेंबर है। सेवन वेव्स होती हैं उसमें, और उसमें से एक जो है वो लाइट, व्हाइट लाइट। अगर हम जनरल बोलें तो व्हाइट लाइट जो है वो सेवन डिफरेंट कलर से बन के बना हुआ होता है, जिसको आप बिग्योर को के फॉर्म में शॉर्टन करके बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपके पास बिग्योर का एक पूरा कॉम्बिनेशन। तो जब ये सेवन कलर्स मिलते हैं तो आपके पास व्हाइट लाइट बनती है। अब इसमें वायलेट से लेकर रेड तक जो वेरिएशन होती है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरिएशन, जो ऑर्डर है हमारे पास इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। मतलब अगर आप देखें तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी 7.5 एक्सपोनेंट 14 है, जबकि जो रेड है उसकी 4 एक्सपोनेंट 14। ये जो ऑर्डर है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। Decreasing frequency. Violet being the most क्या लो के highest frequency सबसे ज़्यादा violet की होती है और red की frequency सबसे कम। तो क्लासिक बात है different colors हैं, तो different colors का होना जो होता है वो असल में उनकी frequency के फर्क की वजह से, हर color एक अलग frequency का होता है और हमारी आईज जो है जो रिस्पॉन्ड करती हैं उनको एक डिफरेंट कलर के तौर पर ट्रीट करती हैं, वो इसी वजह से ट्रीट कर पाती हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है। वरना हमारी जो आईज हैं वो डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि कौन सा कलर एग्जिस्ट करता है कौन सा कलर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये सारे कलर एक ही फ्रीक्वेंसी के होते तो फिर इन शॉर्ट इस दुनिया में कोई कलर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो खैर बहरहाल अभी तो मैंने जनरल सी बात की कि भाई जो हमारी वाइट लाइट है वो सेवन कलर से मिलकर बनी होती है, वो प्योर होता है वो कलर्स का नाम, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इसके शॉर्टन करके वेव क्योर बनाया जाता है। लेकिन ये है कि ये क्यों ऐसा बेंड करते हैं, ऐसा क्या होता है, इसकी डिटेल में हमारी बात में आई। अभी तो सिर्फ ये बताना था कि वह वाइट कलर जो है सेवन कलर से मिलके बने। अब हम बात करते हैं जरा यहाँ पे रिफ्लेक्शन के ऊपर कि भाई व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉ ये लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज की हमारी डिस्कशन जो है वो रिफ्लेक्शन पे बेस कर रही है। देखिए रिफ्लेक्शन को हमने पीछे वाले चैप्टर में भी वेव्स में पढ़ा था कि कॉलिजन करने के बाद अगर वेव अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, सही, राइट जा रही थी लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट जा रही थी राइट हो जाए, स्ट्रेट जा रही थी बैकवर्ड आ जाए, किसी एंगल पे चली जाए, कुछ भी हो, अगर कॉलिजन की वजह से वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दे तो उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन का नाम दें। तो लाइट भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव करती है, वो रिफ्लेक्ट होती है किसी बैरियर से, किसी चीज़ से टकरा के लाइट की रिफ्लेक्शन अकर होती है। और शायद आपको इस बात का इल्म हो the reason why we are seeing objects around us is because the light which is coming, generally agar din ki baat kare to suraj se jo roshni aa rahi hoti hai wo kisi object se strike karti hai aur use strike karne ke baad hamari eyes mein enter hoti hai. To ye jo process hota hai na ki light ka kisi obstacle se takra ke meri eye mein enter hona, main is wajah se us object ko dekh pata. Sahi, pehle zamane mein ye socha jata tha ki jo hamari eyes hain usme se roshni nikalti hai और वो जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बहुत शुरू शुरू के दौर की बात बता रहा हूँ, जब ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आया करते थे और लोग सोचते थे कि भाई ये काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, तो उस वक्त लोगों का जहन था ये द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द आईज, सही, एंड इट स्ट्राइक्स ऑन समथिंग, और लाइट आंखों से निकलने वाली रोशनी जिस चीज़ से पड़ेगी वो चीज़ उन्हें देखना शुरू हो जाए। लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया, अंधेरे में क्या होता है, अगर कहीं अंधेरे में चले जाएं या रात हो जाए तो क्या आंखों से रोशनी निकलना बंद हो जाती है या कम हो जाती है क्या आंखों से रोशनी निकलना। तो उस चीज़ के ऑब्जेक्शन की वजह से फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए, लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई आंखों से कोई रोशनी नहीं निकलती, सही है, ये असल में रोशनी इन्वायरमेंट में मौजूद है, सन की तरफ से आ रही होती है, वो टकरा के आपके आइज के अंदर एंटर होती है। सब लोग सुपरमैन थे। ये भी अच्छा है मरता। तो असल चीज़ ये थी, so the reason why you are able to observe or see anything is because light strikes on that object and it enters your eye and that is why the object is visible to you. Jitni zyada light aap us pe shine karenge utna bright wo object aapko nazar aayega. To in laws ke hamare paas is reflection ke, sorry, in laws bolna, in reflection, is reflection ke hamare paas do laws hain, un do rules ke through, un do laws ke through hum reflection ki tamam cheezon ko explain karte. To agar hum shuru kare तो सबसे पहला लॉ रिफ्लेक्शन का ये है कि द इंसिडेंट रे
द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है हमारे पास कि जैसे ये डायग्राम दिखाई गई है. अच्छा, इसमें रे और बीम का भी मैं फर्क बता देता हूँ. चलो अच्छा हो गया. आप में से कोई समझता है कि रे और बीम में क्या फर्क है? अगर आपको झाड़ू के तिनके में और झाड़ू में फर्क पता है तो आपको रे और बीम में फर्क पता है. एक अगर लाइट रे हो, एक कह लो कि एट वेव जा रही हो लाइट, उसको आप रे ऑफ लाइट बोलो. लेकिन अगर इस तरह की बहुत सारी रेज जा रही हो, उसको बीम बोला जाता है. इसको आप बीम ऑफ लाइट बोलो. एक रे ऑफ लाइट है आपके पास और ये आपके पास बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट बहुत सारी रेज को मिला के बनता है. हम जब अपनी एनालिसिस करते हैं ना, तो लाइट के चैप्टर में हम एनालिसिस बीम पे नहीं करते. बीम से एनालिस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी रेज हैं, कितने को बनाएंगे आप? तो हम रे के थ्रू एनालिसिस करते हैं. जितनी डायग्राम्स होती हैं सब रे के ऊपर बेस होती है. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में लाए कर रहे हैं. एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो ये तीनों चीजें जो हैं एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर. ऐसा नहीं है जैसे बॉल होती है ना, अगर कोई बंदा बोले कि मैं बॉल फेंक रहा हूँ, सही, वो बॉलिंग कर रहा है तो बॉल जाती है ग्राउंड पर, स्ट्राइक करती है और स्ट्रेट निकल जाती है. अब ये जो है ना, ये कहते हैं हम बॉल एक प्लेन में ट्रेवल कर रही थी, सीधी गई, स्ट्राइक की, सीधी चलती चली गई. अब अगर स्पिनर है, स्पिनर क्या करता है, स्पिनर बॉल फेंकता है, वो सीधी जाती है और स्ट्राइक करके डायरेक्शन चेंज कर लेती है. सीधी जा रही होगी, एकदम से लेफ्ट पे कट जाएगी, राइट पे कट हो जाएगी, सही. ये है प्लेन का चेंज होना, कि जो चीज़ सीधी चल रही थी वो सीधी नहीं चलती रही, वो राइट या लेफ्ट पे भाग गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, पूरा प्लेन चेंज हो गया. तो वो होता है कि प्लेन चेंज हो जाए. लाइट ऐसा नहीं करती. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट स्ट्राइक हो किसी मिरर के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद राइट पे भाग जाए या लेफ्ट पे चली जाए, आपकी आइज में ना पहुंचे ऐसे. तो ये चीज़ नहीं होती, वो एक ही प्लेन में ट्रेवल करे. अगर वो सीधी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर सीधी जाएगी. अगर वो राइट पे जा रही तो उसका मतलब वो आ भी राइट से, राइट मतलब राइट की डायरेक्शन में ट्रेवल करती भी आ रही. वो बीच में टकराने के बाद ऐसे अपने डायरेक्शन को पलट नहीं लेती. मतलब ये जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है, इंसिडेंट रे है, ये स्ट्राइक करने के बाद ऐसे नहीं चला जाएगा, सही, या इस प्लेन में नहीं चला जाएगा, अलग से प्लेन चेंज नहीं हो जाएगी उसकी, डायरेक्शन वो नहीं पलट जाएगी उसकी, अपने ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. एक तो हमारे पास ये बात हो गई जो प्लेन से रिलेटेड. अच्छा, दूसरा लॉ जो है वो थोड़ा ज्यादा अहमियत का हामिल है. वो ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल पे लाइट आके स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी. एंगल आए इक्वल्स एंगल आर. लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आप एंगल मेजर करते हो ये एंगल नॉर्मल से मेजर, एंगल हमेशा हमेशा नॉर्मल से मेजर. ये बात मैं बोल्ड करके लिख देता हूँ थोड़ा सा. मेजरमेंट ऑफ एंगल is from the normal to the surface. एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर होता है, कभी बेस से मेजर नहीं किया जाता. अक्सर एग्जामिनर ये चीज आपको देता है ट्रिक करके, डायग्राम के अंदर एंगल बेस से बना देगा और बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए. मिसाल देता हूँ आप, वो क्या करता है भाई, ये दिया
ये दे दिया भाई आपका एक मिरर या प्लेन सरफेस है, सही है, और आपको बोल दिया कि भाई लाइट आ रही है, सही है, और ये स्ट्राइक होके ऐसे जा रही है, ये उसने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी भाई लाइट इंसिडेंट हुई है या रिफ्लेक्ट होके चली। और वो क्या करता है, वो आपको एंगल देता है यूं तो भाई ये 60 डिग्री पे आके लाइट इंसिडेंट हुई, और आपसे मांग लेता है कि जनाब एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ये 60 डिग्री पे आया है ना बेस से, तो वो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दे, ये गलत है, एंगल 60 डिग्रीज नहीं है, आपका एंगल जो है वो नॉर्मल से मेजर होगा। तो ये एंगल बनाने के लिए पहले आपने यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी होगी, नॉर्मल लाइन डॉटेड लाइन बन देना, क्योंकि वो इमेजिनरी होती है, वो रियलिटी में नहीं है। तो आपने जब नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया तो आपको पता चला कि जनाब असल में तो जो एंगल है वो 30 डिग्रीज का है, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर हो रहा होता है, सही, बिल्कुल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप 30 डिग्रीज बोलेंगे, और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर होता है। अगर लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई तो लाइट रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री पे ही हो रही हो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि एंगल्स बेटा हमेशा नॉर्मल से मेजर, क्योंकि एग्जामिनर सवाल में थोड़ा सा ट्रिक ये भी कर सकता है। जैसे मैं मिसाल दूँ कि तो सरफेस टेढ़ी कर दी, जरूरी थोड़ी हर दफा सरफेस आपकी स्ट्रेट हो, बेल आई डी यू आई, और ये इस तरह जा रही है लाइट, ठीक, ये वाला सिनेरियो, लाइट आई स्ट्राइक हो गई चली गई। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप मेजर कीजिए, सही है। एग्जामिनर क्या करेगा, बहुत सारे एंगल दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, भाई यहाँ से भी एंगल दे दिया कि भाई ये 60 डिग्री का एंगल है, सही है, और आपको कुछ आगे पीछे की भी एंगल दे दिया, तो उससे परेशान मत होना, ठीक है। एंगल हमेशा याद रखना नॉर्मल के हिसाब से मेजर किया जा रहा है। मुर्तजा मैंने सिर्फ ये बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया, मतलब मेरे जो मिरर है मिरर को मैंने टेढ़ा करके रखा है, मेरा मिरर ऐसे हुआ हुआ है, सही। अब मैं बोलता भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, अगर ये एंगल मिसाल के तौर पर 20 डिग्रीज था, तो बोल रहा हूँ कि मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, आप सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना, सही। अब आपका नॉर्मल जो बनेगा, क्योंकि नॉर्मल ये होती है लाइन जो सरफेस से 90 डिग्री होती है ना, तो ये लाइन आपकी नॉर्मल बनेगी, ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल ये नहीं है कि हमेशा वर्टिकल होगा, नॉर्मल हमेशा वर्टिकल नहीं होता, नॉर्मल होता है सरफेस से 90 डिग्री के ऊपर, सरफेस को टेढ़ा करता है नॉर्मल भी टेढ़ा हो जाए, सही है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आप कह सकते हैं कि जनाब एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री, रे का ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट बोलते हैं इनकमिंग, वो जो आके टकराए, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, सही, वो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 और आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 डिग्री, बिल्कुल। इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना, नॉर्मल वगैरह बनाने में गलती मत कर। तो ये तो हमारे दो लॉज हो गए ना रिफ्लेक्शन के। अब थोड़ा सा जो मिरर इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। हाउ डू यू फॉर्म अ मिरर इमेज, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ये जो हमारे पास मिरर है ना बेटा, ये है प्लेन मिरर। दुनिया में इसके अलावा भी बहुत सारे मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। अगर शायद कभी आपको इत्तेफाक हुआ स्फेरिकल मिरर देखने का या कर्व ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स देखने का, मैं ब्लाइंड कॉर्नर मिरर दिखा देता हूँ अगर आपको, वो स्फेरिकल मिरर होता है, वो स्ट्रेट मिरर नहीं होता, थोड़ा सा कर्व होता है, ताकि वो सिर्फ सामने की चीज़ें नहीं दिखाता, वो थोड़ी साइड की चीज़ें भी दिखाना शुरू कर देता है। ये लगाए गए होते हैं जहाँ पे ब्लाइंड होते हैं ना, एट कॉर्नर्स ब्लाइंड होते हैं कि भाई नहीं पता अगली तरफ से कोई गाड़ी आ सकती है, इस तरह का कोई मामला होता है, तो वहाँ पे ये वाले मिरर्स लगाए जाते हैं।
जैसे ये देखो, ये जो इतना बड़ा सा मिरर बना हुआ है यहाँ पे, ये कर्व्ड मिरर है, सही? आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है आगे पीछे साइड वेज, हर जगह की मिरर रिफ्लेक्शन दिख रही है, ये कर्व मिरर है, सही? तो इस तरह से कॉन्वेक्स और कॉनकेव यानी कर्व मिरर्स आपको दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाले मिरर हो गया, ये ब्लाइंड कॉर्नर मिरर है, ये भी कर्व हुआ है, कर्वेचर देखो ना, चीज बेंड हुई भी नजर आ रही है, एक कर्वेचर के साथ ये चीज नजर आ रही है आपको, वरना तो चीज स्ट्रेट दिखनी चाहिए थी, सही? लेकिन आपको थोड़ा सा कर्वेचर नजर आ रहा है, ये कर्व मिरर्स होते हैं, दे डू एग्जिस्ट। हमारे पास बहरहाल सिलेबस के अंदर इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी, हमें उसकी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो हम बात करेंगे प्लेन मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर यहाँ पे किस तरह से काम। प्लेन मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है और हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखना है कि भाई मिरर इमेज बनाई कैसे जाए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फॉर्म अ मिरर। तो देखो, सबसे पहला काम ये है कि आप ऑब्जेक्ट की इमेज ही बना डालो। अगला बंदा सोचेगा, सर कैसी बातें कर रहे, ऑब्जेक्ट की इमेज बना दूं? अभी ऑब्जेक्ट की इमेज बना दो। कैसे बना दें भाई ऑब्जेक्ट की इमेज? ऑब्जेक्ट की इमेज आप ऐसे बना दें कि भाई जैसा ऑब्जेक्ट होता है ना मिरर में, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट नजर आता है, सही? मतलब जो चीज़ राइट पे होती है वो चीज़ लेफ्ट पे दिख रही होती है, जो चीज़ लेफ्ट पे होती है वो राइट पे दिख रही होती है, कंप्लीट ऑपोजिट आपको दिखता है वहां पे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो जो मिरर बनेगा इसका, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने एक हल्का सा वो एरो के समझाने के लिए ये मैंने यहाँ बना, थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे, जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा मिरर से, उतनी ही दूर आपकी इमेज बनती है, दोनों फासले बराबर होते हैं एग्जैक्टली, सही? तो ये फासला भी आपको बताना होगा कि भाई ये इक्वल डिस्टेंस है। कलर चेंज कर देता हूँ, ये दोनों लेंस इक्वल होती हैं, इक्वल लेंस होती है। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, सबसे पहले आपने ये काम कर देना। बंदा बोलेगा, सर ये चीज़ बन गई तो फिर आगे का काम क्या, फ़ायदा क्या, अब तो मतलब सब कुछ हो गया, सही? तो ये सबसे पहले बनाना इसलिए होता है क्योंकि अगर इसके बगैर बनाएं आप रे डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, आपके लिए अजाब हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इमेज ही क्रिएट कर देते कि भाई ये इसकी इमेज है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अब आप रे डायग्राम बनाइए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, और मैं इस पॉइंट की इमेज यानी बताता हूँ कि अगर लाइट कैसे बिहेव कर रही होगी, ये पॉइंट यहाँ पे दिखा मुझे कैसे, यहाँ पे मेरी आई है, सही? ये मेरी आई की पोजीशन, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम, सही, लाइट रेज आप यहाँ पे इमेज से लेके आई तक ड्रॉ कर दे, सही? सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने दो लाइट रेज इमेज से लेके आई तक ड्रॉ कर दे, सही? ये शो कर रहा है कि लाइट रेज आपकी आंखों में एंटर हो रही, सही? दिस इज टेलिंग यू दैट लाइट आर एंटरिंग योर आई, बी मैसी। सबसे पहला काम आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप ये था कि भाई इमेज बना दें। दूसरा स्टेप क्या था भाई हमारा, दूसरा स्टेप ये था कि आप इमेज से लेके आई तक लाइट रेज, दो लाइट रेज ड्रॉ कर, वैसे तो एक लाइट रेज भी हो जाता है लेकिन दो लाइट रेज ज्यादातर प्रेफर की जा रही है। तीसरा काम ये है कि ऑब्जेक्ट से लेके इंटरसेक्शन तक आप लाइट रेज ड्रॉ कर, ये ऑब्जेक्ट से लेके इंटरसेक्शन तक। अब मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा किया क्यों। देखो ये बात क्या समझा रही है, बात ये बता रही है
कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकली, रिफ्लेक्ट हुई मिरर से और ह्यूमन आई में एंटर हो। अब बेटा हमारा जो माइंड है ना, हमारे माइंड का खेल ये है कि हमारा माइंड इस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि जो लाइट आई है ये कहाँ से आई है, वो इस चीज को ट्रेस आउट करने की कोशिश करता है कि अगर ये लाइट आई तो ये लाइट पहुंची किधर से है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन्स हमेशा याद रखना कि बेटा ये डॉटेड होंगी, ये कभी भी सॉलिड लाइन नहीं होती, क्योंकि लाइट मिरर के पीछे कभी भी नहीं जाती। मिरर के पीछे कुछ नहीं है, दीवार है, सही है। द लाइट इज नेवर गोइंग टू एंटर इनसाइड द मिरर। लेकिन ये डॉटेड शो करने का मकसद ये है कि इट अपीयर्स एज इफ द लाइट इज गोइंग बैक। ये ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जो है वो बैकवर्ड जा रही है, इट्स अपीयरिंग एज इफ इट्स गोइंग बैक। समझिए ना। तो अब हमारा ब्रेन क्या प्रोसेस करता है, हमारा ब्रेन समझता है कि जो लाइट मेरी आई में एंटर हुई है वो यहाँ जहाँ इमेज बनी है वहां से कहीं से आ रही है, और वो हमारे माइंड में उसकी इमेज बना के दिखा देता है। मतलब जो लाइट असल में आई थी वो तो ऑब्जेक्ट से आई थी, टकरा के आई में एंटर हुई, लेकिन हमें क्या फील आया, हमें ये फील आया कि लाइट असल में पीछे मिरर के अंदर से कहीं आ रही है, क्योंकि हमारे ब्रेन ने उसको उस लिहाज से प्रोसेस किया। हमें ये जो लाइट रेस थी, ये दो लाइट रेस, ये वाली दो लाइट रेस ऑब्जेक्ट से आ रही थी, उनकी रिफ्लेक्शन मिरर में दिखी, इसकी रिफ्लेक्शन मिरर में दिखी। तो जब भी मिरर इमेज ड्रॉ करना, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ इसीलिए लिख भी दिया है कि सबसे पहले इमेज बना दो इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि मिरर से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्विडिस्टेंट होने चाहिए मिरर से, इतना फासला ऑब्जेक्ट का उतना ही फासला इमेज का भी होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है, तो इमेज भी आपके पास 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे जरूरी है। फिर उसके बाद दो लाइट रेस ड्रॉ करें इमेज से लेके आई तक, सेकेंड स्टेप हमने बना दिया था, इमेज से लेके आई तक दो लाइट रेस ड्रॉ कर। थर्ड स्टेप, सही है, मेक श्योर दैट द लाइंस बिहाइंड द मिरर आर डॉटेड। ये चीज आपने इंश्योर करनी है, क्योंकि दे आर नॉट इन रियल, असल में नहीं है लाइट रेस मिरर के पीछे। जो भी कोई चीज कोई वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है, अपने वर्किंग के लिए बस बनाई जाती है, उसको डॉटेड से शो किया जाता है। ये रूल है हर जगह, कि अगर आप डॉटेड से शो कर रहे हैं इसका मतलब इट्स नॉट रियल, इट्स वर्चुअल, इट्स समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वी हैव जस्ट मेड इट फॉर आवर ओन ईज। फिर ज्वाइन द टू लाइंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट, मिरर से ऑब्जेक्ट को जैसे हमने दो लाइनों से ड्रॉ किया, सही है, और जहां पे दोनों लाइनें मिल रही हैं वहां से आप ऑब्जेक्ट तक लाइन ड्रॉ करो। फिर डायरेक्ट द रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विल बी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द आई। रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट से लेके आई तक होनी चाहिए, जो कि मेरे एरोज मुझे बता रहे हैं। लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्ट्राइक्स द मिरर एंड इट एंटर्स आवर आई। अब तक मैंने जो बात समझाई यहाँ पे, इसको देखो, डायग्राम देखो, इन स्टेप्स को पढ़ो, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछो, फिर उसके बाद मैं आगे इसकी डिटेल में जाता। आगे बढ़ते हैं अगर इसमें कोई इशू नहीं है तो। अब जो मिरर इमेज बनती है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस चीज के ऊपर हम बात कर लें।
देखिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें मिरर इमेज फॉर्मेशन में, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज से मुराद ये है कि यहाँ पे इमेज बनते वक्त लाइट रेज रियलिटी में उस जगह नहीं मिल रही थी, सही है? आपको ऐसा लग रहा था कि लाइट रेज वहां जाके मिल रही, तो ये रियल में नहीं है वहां पे। मतलब आईने के पीछे कुछ नहीं होता, दीवार होती, देयर इज नथिंग बिहाइंड द मिरर, इट्स ऑल यू कैन से जस्ट एन आइडिया कि अच्छा भाई यहाँ पे इसके पीछे कुछ एग्जिस्ट करता है। ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। अभी मैं रियल और वर्चुअल के दरमियान की पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको लिखवा देता हूँ, इसके आगे जो है मौजूद है, लेकिन पहले इनकी प्रॉपर्टीज ओवरऑल जो है वो मेंशन करूँ। अब इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी आपकी जो मिरर में इमेज बनी है उसके, इट इज अपराइट। अपराइट का मतलब क्या, अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी आपको सीधी ही नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका सर नीचे नजर आ रहा और आपके पैर ऊपर नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी इमेज देखनी है तो स्पून है ना, स्पून जहां से उसमें खाते हैं, जिसमें फिल करते हैं, उसके अंदर अपनी इमेज देख, अच्छा तो कोई साफ सुथरा स्पून था ना जिसमें शाइन सबसे ज्यादा हो, उसके अंदर अपनी इमेज देखना उल्टी नजर आएगी। आपका सर जो है वो हैंडल के करीब नजर आएगा और आपकी जो बॉडी है वो स्पून के टॉप की तरफ नजर आएगी, करके देख लेना इसको। वहां पे आप अपराइट नहीं बोलते, वो आप बोलते हो कि वो इन्वर्टेड इमेज, उल्टी बनी हुई। दूसरा, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। ये लिटरल नहीं है, ये है लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो राइट साइड है वो आपको लेफ्ट नजर आएगी, जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट नजर आएगी। मतलब अगर आपके पास एफ ऐसे लिखा हुआ है तो मिरर में ये एफ ऐसा दिखे। कभी एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा करो, उल्टा लिखते हैं। मतलब अगर बंदा सामने खड़ा हो कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा हुआ पड़े, वो बोलेगा यार तो उल्टा लिख दिया आपने। उल्टा इसलिए लिखा होता है क्योंकि जब आगे जो गाड़ी वाला चल रहा होता है, जब वो अपने साइड मिरर में या अपने बैक मिरर में पीछे से आने वाली गाड़ी को देखेगा, एम्बुलेंस को देखेगा, तो वो उसे सही नजर आए, इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिख। गाड़ी में जो बंदा जा रहा है वो एम्बुलेंस रीड कर सके प्रॉपर तरीके से, ये साइंस है। फिर इट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है इमेज उतनी बड़ी दिखती है, छोटी दिखेगी ना बड़ी दिखेगी, सही? मतलब आप जिस साइज के हैं आप मिरर में उतने ही नजर आएंगे। हाँ, अगर आप मिरर से दूर खड़े हैं तो आप बोलेंगे सर हम छोटे दिखते हैं, तो बेटा वो डेप्थ का परसेप्शन है। अगर डेप्थ परसेप्शन नहीं होता, आप दूर खड़े हो या करीब खड़े हो, तो फिर मिरर में थ्री डायमेंशनल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। दूर की चीज छोटी सी विस्तृत थोड़ी सी नजर आती है क्योंकि वो आपके पास डेप्थ परसेप्शन को समझा रही हो। मतलब अभी आप अपने रूम में बैठे हैं, तो ये बराबर में कोई चीज है, थोड़ा सा दूर कोई चीज रखी हो, उसको अपने दो फिंगर्स के दरमियान में आप कन्फाइन कर सकते हो। मतलब ऐसा लगेगा भाई वो दो फिंगर्स के दरमियान में है, ये मतलब थोड़ी है कि वो इतनी छोटी के दो फिंगर के दरमियान में आ जाए, बड़ी चीज है। सही, वो फिर दूर रखी है आपने, इसलिए आपको वो थोड़ा छोटा फील हो रही, वरना ओरिजिनल साइज है। अच्छा खास है। पांचवी प्रॉपर्टी जो मिरर इमेज की है वो थोड़ी सी सिंपल सी है, इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट के कुछ पांच प्रॉपर्टीज हैं जो आप मिरर इमेज के बारे में लिखते हैं। एग्जामिनर इसमें दो या तीन पूछता है, ये कम से कम पांच में बोलता हूँ, कम से कम कुछ नहीं, आपको चार आपको याद होनी चाहिए, एक का चलो लेवरेज है, लेकिन पांच में तो चार प्रॉपर्टीज आपके जहन में होनी चाहिए। अब रियल और वर्चुअल में थोड़ा सा फर्क कर ले। सबसे पहला डिफरेंस रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के अंदर यह है,
ये रियल इमेज उस वक्त बनती है जब लाइट रेज रियलिटी में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, किसी पॉइंट पे. दिस इमेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज मीट at a point in reality. See? Light rays किसी point पे आके असली के अंदर कहीं मिल रही हों तो हम कहेंगे जो हमारे पास image बनी है वो एक कह रहे रियल इमेज बनी. एक मिनट हो गया किसी बच्चे को. यहां तक तो कोई किसी का सवाल नहीं है? कोई क्वेरी हो अगर किसी की, कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछ ले. अभी ठीक है, वर्चुअल इमेज के बारे में बेटा ये बात होती है कि वर्चुअल इमेज में लाइट रेस किसी पॉइंट पे रियलिटी में नहीं मीट करती. लाइट रेस डू नॉट मीट एट अ पॉइंट इन रियलिटी. रेस डू नॉट मीट, they just appear to meet. नहीं, इसे वैसा लगता है कि जैसे वो वहां मिल, अरे मैं मिल नहीं रही होती. जैसे मिरर में हुआ, मिरर के पीछे लाइट थोड़ी जा रही थी, उसे मैं लग रहा था कि जैसे वहां से आ रही है लाइट. लेकिन रियल इमेज में क्या होता है, हमेशा रियल इमेज में लाइट वाकई में वहां जाके मिल. जैसे आप आइए और ये बैक पे अगर रेटिना है तो लाइट रेज अगर आपकी आई में एंटर होती हैं, आपको पता है कि वह जाकर रेटिना पे कन्वर्ज होती हैं. तो ये जो मामला है ये रियलिटी में मिलने का है कि भाई हाँ लाइट रेज वाकई में इस पॉइंट पे जाके मिल रही है. आप अगर सोचा होता तो ऐसे बना सकते हो उसको कि भाई ये लाइट रेज आर मीटिंग एट दैट पॉइंट इन रियलिटी. ये एक रियल इमेज बनेगी आपकी आई में, जो बनती है वो रियल इमेज बनती है. लेकिन जो मिरर में बनती है वो रियल नहीं है. इसी वजह से रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हो. तो स्क्रीन अगर आप लगाओ तो उस पर इमेज बनती हुई नजर आएगी. लेकिन वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं आ सकती. मतलब अगर आप चाहें कि मिरर के पीछे कोई स्क्रीन लगा दें और आप अपनी रिफ्लेक्शन उसके अंदर देख सकें, स्क्रीन के ऊपर देख सकें, तो उस पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि मिरर के पीछे सिल्वर सर्फेस लगी हुई होती. लेकिन रियल इमेज हमेशा एक जगह पर बनेगी, स्क्रीन के ऊपर आपको बाकायदा नजर आएगा. जैसे कैमरा है, कैमरे में आप पहले जमाने के, मुझे नहीं पता कि आपको किसी ने कैमरा देखा, उसमें नेगेटिव हुआ करते थे, रीलें होती थी उसमें. शायद देखा होगा, मेरे ख्याल से इतने पुराने भी नहीं हो, तो इतने नए भी नहीं हो, थोड़े से पुराने तो हो तुम बच्चों. तो यू पीपल माइट हैव सीन दोस रील वाले कैमराज ना, तो उसमें नेगेटिव निकलता था. नेगेटिव क्या होता था, जब तस्वीर खींचती थी तो वो उस कैमरे की रील के ऊपर एम्बेड हो जाया करता. हाँ, फाते मिरर में सब ऑपोजिट होता है, लेकिन ऑपोजिट ये नहीं होता कि वो ऊपर सर पैर की जगह दिखे या पैर सर की जगह दिखे. वो ऑपोजिट से ये होता है कि राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट और लेफ्ट जो है वो राइट दिखेगा, ये वाला ऑपोजिट होता है. वो मत समझना कि बिल्कुल उल्टा ही दिखा दिया. तो यहाँ पे रियल इमेज कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन जबकि वर्चुअल इमेज जो है इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन. आप उसे किसी स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कहीं पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. इवन जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं वो रियल इमेज बनाते. आपने देखा होगा प्रोजेक्टर ऊपर लगा है, उसमें से लाइट निकलती है, आगे प्रोजेक्टर की स्क्रीन के ऊपर आके आपकी पूरी इमेज बनके सामने आ जाती. ठीक है ना, वो आपके पास एक रियल इमेज बन के सामने आ रही है. तो कहाँ कहाँ रियल इमेज बनती है, अगर हम उसकी एग्जांपल देखें, आई में बनती है, प्रोजेक्टर्स में बनती है, कैमरा में बनती है. सही है, ये तमाम इमेजेस जो है आपके पास वो रियल इमेजेस है.
और अगर वर्चुअल की मिसाल देखें हम तो मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, मैग्नीफाइंग ग्लास में वर्चुअल इमेज बनती है। इन दो जगहों पे आपके पास वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है। The light rays are not meeting in reality. They just appear to meet. ये real और virtual में फर्क हो। आगे हम जब lenses पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे lenses में majority of the cases में real image बन रही है। Even आपके अगर आप बोलो तो photocopy की जो machine होती है तो photocopy के अंदर भी real image बनती है, उसमें भी image formation होती है। उसमें भी आप देखोगे image formation का जो मामला है वो रहा। ये चीज वर्चुअल में से मिरर और मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे दो ऑप्शन है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बना रहे हो। किसी भी किस्म का मिरर हो वर्चुअल इमेज बनाए। और एक लेंस होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर भी वर्चुअल इमेज बनती है। वो जब लेंसेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कॉनकेव लेंस के अंदर भी वर्चुअल इमेज बनती है, लाइट रेज नहीं मीट करती वहां पर, हमें लगता है कि जैसे मिल रही इमेज, हमें ऐसा लगेगा कि शायद वहां पे लाइट रेज मिल रही है और इमेज प्रोड्यूस। कोई सवाल अगर आपका रियल इमेज या वर्चुअल इमेज में तो मुझसे पूछ लीजिए। ये है, ये चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी रियल। और वर्चुअल इमेज है ना वो हमेशा अपराइट बनेगी, सीधी बनेगी। ये पहचान है इनको, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट। मतलब अगर बंदा यूं खड़ा हुआ है और उसकी इमेज ऐसे बन रही है तो ये रियल है, लेकिन अगर बंदा यूं खड़ा हुआ है और इसकी इमेज ऐसे बन रही है तो ये वर्चुअल, सीधी इमेज बन रही है। आपको शायद पढ़ा होगा, जो बायो वाले बच्चे उनको तो पढ़ाया भी जाता है, उसके अलावा भी जनरल पुरानी साइंस की क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि अगर आप अपनी आई को देखें तो आपकी आई के अंदर हम उल्टे बने हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा करके दिखाता है। बिल्कुल फातिमा, अपराइट की जगह आप इरेक्ट भी लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। अब हम जरा लेंथ ऑफ द मिरर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, भाई हमें मिनिमम कितनी लेंथ चाहिए, मैक्सिमम कितनी लेंथ चाहिए, इस चीज के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू। अब यहाँ पे ये है कि भाई एक बच्चा खड़ा हुआ है, सामने एक मिरर लगा, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ द मिरर, इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। कम से कम कहाँ से लेके कहाँ तक मिरर होना चाहिए तो बंदा पूरा पूरा अपने आप को देख सकता है, या क्या पोजीशन होनी चाहिए ताकि बंदा अपने आप को देख सके। क्वेश्चन ये कहता है, इन ऑर्डर फॉर इमेज टू ऑफ फीट टू बी प्रोड्यूस इन द मिरर, द लाइट कमिंग फ्रॉम द मी फीट मस्ट एंटर द आई आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। कॉमन सेंस की बात, अगर बंदा अपने पैरों को देखना चाहता है तो जरूरी यह है कि उसके पैरों से निकलने वाली रोशनी उसकी आई में आए, और सामने मिरर लग रहा है तो जरूरी यह है कि उसके पैरों से निकलने वाली रोशनी मिरर पर टकरा के उसकी आईज में एंटर। सी द डायग्राम शोज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पोजीशंस फॉर द बॉयज टू सी हिज फीट। ये डायग्राम पे हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन दिखाएंगे, मिरर कम से कम कितना नीचे या मैक्सिमम कितना ऊपर कर सकते हो कि उसको अपने पैर नजर आ जाए। देखो वही रूल है मिरर इमेज फॉर्मेशन का, आप सबसे पहले तो डिस्टेंस के हिसाब से बनाते, भाई ये मिरर की लोकेशन थी, छह मार्क कर दो, आपका पैर मिरर से जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज भी उतनी ही दूर बननी चाहिए। मैं एक अंदाजन लगाता हूँ कि भाई ये यहाँ बनेगी, लग तो रहा शायद सही, अगर ये पॉइंट एक्स है इसको मैं बोल देता हूँ ये एक्स डैश है। रूल हमने क्या जिक्र किया था भाई, कि सबसे पहले इमेज से आई तक की लाइट खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, लाइट रे बता रही है। तो मैं इमेज से आईज तक की एक लाइन खींच देता हूँ, लेकिन मिरर के पीछे उसे मुझे रखना है डॉटेड,
मिरर के पीछे मैं उसे रखूंगा भाई डॉट, ये भाई ये वर्चुअल है, मिरर के पीछे कुछ नहीं होता। फिर दूसरा मैंने क्या बोला था भाई, दूसरा स्टेप ये था कि लाइट जो मिरर से स्ट्राइक हुई उसको ऑब्जेक्ट से जोड़ दें। उसमें हमने दो लाइट रेज के ऊपर बात की थी, तो मैंने बोला था कि भाई दो के बजाय एक से भी हो सकता है। यहाँ मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूँ, एक लाइट रेज से ड्रॉ ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक की अगली लाइट हमने ड्रॉ। अब अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ इसकी, तो डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी, ये ऑब्जेक्ट से निकली लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक किया गई, और मिरर पे स्ट्राइक करके वो उस बच्चे की आई में एंटर। अच्छा पता है मेथड क्यों कामयाब है? मेथड इसलिए कामयाब है क्योंकि इस मेथड में आपको नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये डायग्राम ऐसी बनेगी हमेशा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर आए, इसीलिए ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। पहले इमेज मार्क कर दो फिर रे डायग्राम ड्रॉ करो, बजाय इसके कि पहले रे डायग्राम ड्रॉ करो और फिर इमेज की एजुकेशन मारो, हम उल्टा चलते हैं। इससे हमारी जो डायग्राम बनती है ना वो हमेशा कन्फर्म और परफेक्ट बनती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर आता, बेझिझक बराबर आता। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपके पास और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन निकल गया मुझसे गलती से। तो अब देखो इस वक्त बच्चे के पैर से निकलने वाली लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक करके आईज में एंटर हो। अब अगर मैं मिरर को ऊपर या नीचे करूं तो मैं ये पोजीशन यानी मालूम कर सकता हूं कि मैं मैक्सिमम कितनी हाइट पर रखूंगा मिरर, ये मिनिमम कितनी हाइट पर रखूं मिरर कि बंदा अपने पैर देख सके। क्योंकि अगर मैं मिरर ऊपर उठाता चला जाऊंगा ना तो मसला ये होगा कि फिर बच्चा अपने पैर नहीं देख पाएगा, क्योंकि अगर मिरर को मैंने ज्यादा ऊपर उठा दिया तो मसला ये होगा कि जो स्ट्राइक करने वाली जगह है यहाँ पे लाइट स्ट्राइक नहीं कर सकती क्योंकि मिरर ही नहीं होगा यहाँ पे। मिसाल देता हूँ कैसे, जैसे ये पोजीशन है, मैंने मिरर ऊपर उठा दिया, ठीक है, मैंने मिरर ऊपर उठाया तो नतीजा क्या हुआ, पैर से तो लाइट आ रही थी वो स्ट्राइक करके आई में भी एंटर होती, लेकिन ये एज है बिल्कुल, अगर मैं जरा सा भी इससे ऊपर लेके जाता हूँ मिरर तो जो लाइट रे पैरों से निकल रही होगी वो कहीं से नहीं टकराएगी, वो सीधी निकल जाएगी और वो जो बच्चा खड़ा हुआ है वो अपने पैरों को ऑब्जर्व नहीं कर सके। हाँ आपका एंगल शो करने पड़ते हैं, अगर उसने बोला है तो लाजमी करने पड़ते हैं, अगर नहीं बोला तो फिर जरूरी नहीं, लेकिन मैं मशवरा देता हूँ कि ड्रॉ कर दो क्योंकि अक्सर हमें अंदाजा नहीं होता लेकिन उसके मार्क बन जाते। तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई मैक्सिमम मिरर कितना ऊपर उठाया जा सकता है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बच्चे की हाइट है पूरी 150 सेंटीमीटर्स, लाइट रे पैरों से निकली और रिफ्लेक्ट होके आई में गई और ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, ठीक, ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल थे। तो अगर ये एंगल्स इक्वल थे तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ बराबर होगी, इक्वली डिवाइड हुआ होगा, सही, क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं, ये वाली लेंथ भी सेम है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए या नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, एंगल्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये वाले लेंथ दोनों सेम होंगे, तो नीचे भी 75 ऊपर भी 75 इसलिए क्योंकि 150 का हाफ 75 होता है। तो मैक्सिमम आप कितनी हाइट पे रख सकते हो मिरर, आप मैक्सिमम रख सकते हो 75 सेंटीमीटर। इफ यू लिफ्ट द मिरर अबव 75 सेंटीमीटर the light will not be able to strike the mirror and enter the eye of the boy. If the mirror is lifted above 75 centimeters, light coming from the feet would not strike the mirror. And enter his eye. उसके आई में नहीं एंटर, he won't be able to see his feet.
feet's not visible. इसी तरह रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर आप मिरर को बहुत नीचे कर दो तब अब उसके ऊपर वाली सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है. अगर आपने मिरर जरा सा इससे नीचे किया तो जो लाइट है वो अगेन मिरर को स्ट्राइक नहीं करेगी. आप इस मिनिमम हाइट को भी निकाल सकते हो कि भाई 75 मीटर्स की हाइट थी यहाँ पे टिल द टॉप ऑफ द मिरर, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करके जा रही है. मिरर खुद 50 सेंटीमीटर का था इसमें, तो मिनिमम हाइट 25 सेंटीमीटर. आप हाइट ऑफ द मिरर को 25 सेंटीमीटर से नीचे नहीं करोगे इसमें. अगर आपने इसको 25 सेंटीमीटर से नीचे किया अगेन द फीट विल बी इनविजिबल. अब लाइट मिरर के ऊपर से निकल जाएगी. If the mirror is reduced below 25 centimeters, the light would pass above the mirror without a strike. See? Feet again invisible. फिर दोबारा पैर नहीं दिखेंगे. सही, क्योंकि लाइट नहीं आ पाई है उसकी आईज के अंदर. लाइट का आना आई मेंटेन होना जरूरी है. कोई सवाल, कोई मसला इसके अंदर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. अगर ये चीज़ भी क्लियर है, बल्कि टाइम तो हो ही गया है. कल की क्लास के अंदर फिर ये है कि मज़ीद लाइट के रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे, रेगुलर इरेगुलर, और यह है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी शुरू कर देंगे. कल रिफ्रैक्शन भी आई सपोज मुकम्मल हो जाएगा. ठीक है जनाब, आज कल ऐसे यही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात. कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. Take care.